तो हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि सोमवार को मतलब कि मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो वो गैप अप से ओपन होगा या गैप डाउन से ओपन होगा, और ये सब चीजें मुझे कैसे पता चलेगी ये सब चीजें भी मैं ग्राफ पे लेके जाऊंगा, वहां पे आपको बताऊंगा, वहां पे हम जो है लाइव यहां पे जो है मैं आपको दिखाने वाला हूं ग्राफ के ऊपर ही ले जाके। और इससे दोस्तों क्या होगा कि आप सीख भी जाओगे, आपको नेक्स्ट टाइम जो है मेरे या किसी भी अदर यूट्यूबर्स के वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब टाइम वेस्ट आपको 10-15 मिनट वापस से नहीं करना पड़ेगा। इस वीडियो को अगर एंड तक देख लेते हो तो आपको सच बता रहा हूं टाइम वेस्ट आपको बाद में नहीं करना पड़ेगा, आप खुद से सीख जाओगे कि मैंने किस तरीके से एनालिसिस किया और लोग किस तरीके से एनालाइज करते हैं कि कल मार्केट किस तरीके से कौन से डायरेक्शन में ओपन होने वाला है, ये आप खुद ही सीख लोगे और आप खुद से हर बार कर सकते हो। तो दोस्तों अभी यही है सोमवार के मैं यहां पे बताने वाला हूं मेरी जो क्या प्रेडिक्शन रहने वाली, क्या ट्रेड मैं लूंगा, ये सब चीजें किस बेस पे लूंगा, क्या कैंडलस्टिक बनने वाले, कब अपसाइड बनेगा, कब डाउनसाइड बनेगा, कौन सा टाइम फ्रेम को देखना, कौन सा स्ट्राइक प्राइस को देखना, ये सब चीजें यहां पे बताने वाला हूं। तो वीडियो को एक लाइक कर लो, और दोस्तों आपको एक चीज और बता दो, आप मेरे इंस्टाग्राम पे दोस्तों मेरे से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, और इंस्टाग्राम पे आप बने रहोगे तो आपको एक फायदा ये रहेगा कि मैं वहां पे रिकमेंड करता रहता हूं कि कभी डायरेक्ट बोल देता हूं 44,400 का सीई बाय कर लो, कभी बोलता हूं पी बाय कर लो, और टारगेट और स्टॉप लॉस भी बताता हूं। तो आपको यहां पे जो है बहुत बार ऐसा हुआ, अभी तक तो 1 से 2 ही बार ऐसा हुआ है कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, बाकी तो टारगेट हिट ही होता है। और वैसे भी मैं दोस्तों हर टाइम नहीं बताता हूं, जब मुझे श्योर 100% श्योर रहता हूं कि मार्केट मेरे डायरेक्शन में चलने वाली है तो ही बताता हूं। तो आप वहां पे जाओ, आप वहां पे मुझे फॉलो कर लो या भी फॉलो मत भी करो तो स्टोरी देखते रहना, और कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से बेशक पूछ सकते हो, और यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब कर ही लेना क्योंकि यूट्यूब पे आपको कभी कभी लाइव अचानक से आ जाता हूं, बोलता हूं ट्रेड लेने की, जब मुझे लगता है कि 500-600 पॉइंट का यहां पे जो है कि फर्क होने वाला है तो फटाफट लाइव आता हूं ताकि मेरे ऑडियंस भी इसका फायदा उठा पाए। तो फटाफट चलते हैं ग्राफ के ऊपर, हर चीज आपको सिखाऊंगा, डिटेल में सिखाऊंगा, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकती है तो थोड़ा टाइम निकाल के देखना क्योंकि आपको इसमें प्रॉफिट भी बड़ा हो सकता है। तो बस फटाफट जाते हैं ग्राफ के ऊपर। दोस्तों यहां पे देखो कि बैंक निफ्टी के मैंने यहां पे जो 1 आवर का चार्ट फ्रेम यहां पे ओपन है, ठीक है, आप यहां पे देख सकते हो बैंक निफ्टी है, 1 आवर का चार्ट फ्रेम ओपन मैंने कर लिया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको ये सबको ड्रॉ करना पड़ेगा, ये सब चीज के लिए आपको ये सबको जो है ड्रॉ करना पड़ेगा, ये सबको ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर आप ड्रॉ नहीं करना चाहते हो तो बस आप यहां पे देख लो, और मेरे हिसाब से जो है आप अभी अपने ग्राफ पे भी जाके जो है प्लॉट कर लेना, और ये अगर ड्रॉ करना चाहते हो तो ये सब चीज़ों को सीखने के लिए जो है आपको क्या करना है कि आपको मेरा एक वीडियो है उसको वॉच करना है, वहाँ पर मैंने अच्छे से समझाया, और अच्छे से इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ये एक जोन की तरह काम करता है, उसको मैंने बनाना सिखाया है, ठीक है, तो वो आप जाके वॉच कर सकते हो। तो अभी वो 1 आवर का टाइम फ्रेम है, हमको यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है। ये जो मैंने ग्राफ बनाया है, ये जो मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया था, ये कल के लिए था, मतलब कि फ्राइडे के लिए था, आज सैटरडे है, कल संडे और सोमवार परसों मंडे है, मंडे को मार्केट ओपन होगा उसके लिए हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं। तो अभी जो है कुछ यहाँ पे चेंजिंग करने की जरूरत है, आप देखो ये क्या करना है मुझे, आपको भी यही काम करना है जो मैं कर रहा हूँ, आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखो यहाँ पे ओपन है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है ओपन है यहाँ पे, आपको सिंपली क्या करना है यहाँ पे आपको एक जोन बना लेना, एक रेजिस्टेंस बनाना है जो कि एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो स्ट्रांग रेजिस्टेंस का यहाँ पे जो है ये काम कर रहा है बैंक निफ्टी, ठीक है, यहाँ पे मैंने जो है यहाँ पे जोन को बना लिया है अपसाइड में, ठीक है। अब डाउन साइड में इस वाले जगह पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक जो है जोन बना हुआ है, यहाँ पे जो है जोन बना हुआ है, ठीक है, एक मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन जो है हल्का सा एक शेड वाला लाइन को ग्रीन कलर का यहाँ पे एक जोन की तरह जो इस्तेमाल किया है जो कि एक सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। ये देखो प्रीवियस डे मतलब कल के दिन का जो है यहाँ पे एक सपोर्ट का ये जो है काम कर रहा है, यहाँ पे मैंने एक बना लिया है। अब आपको क्या करना है, एक और यहाँ पे मैंने इसका क्लोन बना लेता हूँ और इसको जो एकदम नीचे इस वाले जगह पे लगा देता हूँ, क्यों, क्योंकि कल का लो जो है यही है, कल का जो लो अगर आप देखोगे तो यही पॉइंट जो है कल का लो है, मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ तक गया, यहाँ पे नीचे गया, फिर यहाँ पे ऊपर गया, और फिर इसको सपोर्ट बना के जो है अपसाइड यहाँ पे ट्रेड लेने लग गया, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे ये काम कर रहा है, एक जो है यहाँ पे ये भी एक सपोर्ट का काम कर रहा है, ये स्ट्रांग सपोर्ट हो गया, ये स्ट्रांग सपोर्ट हो गया, और ये जो है एक वीक सपोर्ट हो गया, ये एक वीक सपोर्ट हो गया। तो ये दोनों को आपको भी बना लेना, आप देख लो किस वाले जगह पे मैंने इसको ड्रॉ किया है, आप यहाँ पे मार्केट देख सकते हो किस वाला जगह पे चल रहा था तभी मैंने इसको ड्रॉ किया, ठीक है। तो आपको भी इस तरीके से ही हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर लेना जो कि एक सपोर्ट, एक हार्ड सपोर्ट, और एक जो है थोड़ा सिंपल सा सपोर्ट का काम कर रहा है, और हमने जो एक हार्ड एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस को तो यहाँ पे क्रिएट कर ही लिया है जहाँ से मार्केट जो है बाउंस बैक होकर थोड़ा सा रिवर्स हुआ था। तो इसको हमने यहाँ पे देखो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने बना ही लिया। अब आपको क्या करना है, टाइम फ्रेम पे जाना है और 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम आप देख सकते हो, 15 मिनट का टाइम फ्रेम जो है मैंने सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है।
तो अब आपको यहाँ पे देखना है कि हमने जो 5 मिनट टाइम फ्रेम बनाया था वो सपोर्ट रजिस्ट्रेशन का काम कर रहा है या नहीं। तो हाँ, यहाँ पे बिल्कुल हो रहा है। यहाँ पे आप देखो कि किस तरीके से 15 मिनट का जो यहाँ पे मैंने बनाया था, एक सबसे नीचे जो स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस का जो काम कर रहा था, वो दोस्तों यहाँ पे देखो कि एक 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एकदम एक्यूरेट बन रहा है। मार्केट यहीं से ऊपर गया है इस तरीके से, और यहाँ पे नीचे आके थोड़ा सा जो है ऊपर अप साइड जाके बाउंस बैक होके नीचे आ गया है, और ये एकदम जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो मैंने जो बनाया है वो इसी तरीके से आपको बनाना है। और यहाँ पे आपको आप एनालिसिस क्या करनी है, आप ये देखो कि कल के डेट से मतलब कल जो मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया था उसके बाद से जो है मार्केट जो है कंटिन्यू जो है अपसाइड ट्रेड गया है। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम देखें तो अपसाइड ट्रेड गया है, तो उसके बाद थोड़ा सा जो है रिवर्सल हुआ यहाँ तक के लिए। तो थोड़ा सा आपको ये देखना है यहाँ पे कि मार्केट जो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जो है लास्ट के जो 15 मिनट है वहाँ पे 3 बेयरिश कैंडल बनाया है, लेकिन ये बेयरिश कैंडल में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये पुश करने की कोशिश की जा रही है। ये देखो यहाँ पे जो बुलिश लोग बैठे हैं ना, मतलब जो बायर्स है उसको थोड़ा सा पुश कर रहे थे, वो भी जो है अपसाइड पुश कर रहे थे, इसके वजह से मार्केट जो है मतलब ये जो कैंडल है ग्रीन रेड कलर की वो यहीं पे क्लोज हो गई, नहीं तो और भी नीचे तक जो है मार्केट जो है आती। तो यहाँ पे ये पता चल गया कि बायर्स एक्टिव थे। अब 2 दिन छुट्टी थी, एक हो गया सैटरडे और एक हो गया संडे, तो 2 दिन जब छुट्टी थी तो 2 दिन में बहुत कुछ हो सकता है, तो इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा चांस है, क्योंकि मार्केट कल के दिन जो है ऑल टाइम अपसाइड मूव की ना, तो काफ़ी ज़्यादा चांस है कि मार्केट गैप अप से ही खुलेगा, अपसाइड से ही खुलेगा। क्योंकि लास्ट के आपको देखो लास्ट के 3-15 मिनट का मतलब 45 मिनट का कैंडल ये है, और लास्ट के जो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ज़्यादा 15-15 मिनट का जो कैंडल बना है। देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम मतलब यही होता है, सिंपल सी बात है कि एक कैंडल आपका बनेगा 15 मिनट में। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि कल के दिन जो है मतलब पास्ट का जो दिन था वो यहाँ पे बुलिश हुआ है, थोड़ा सा बैक आया है, उससे हमको लेना देना नहीं है। मार्केट जो है अपसाइड गया ये हमको देखना है, ज़्यादा तक केस में तो अपसाइड गया ना, इतना सा ही जो है थोड़ा सा बेयरिश का दिखाया, लेकिन अभी भी ऑल टाइम में अगर देखें तो इस वाले लेवल से डायरेक्ट इस वाले लेवल में मार्केट पहुँचा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कल के दिन आपको अब वापस से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं लेके चलता हूँ, अगर दोस्तों कल के दिन ये वाले जोन को मार्केट क्रैक करता है, ये जो जोन है ना इसको अगर दोस्तों ब्रेक करता है अपसाइड कोई कैंडल बनता है गैप अप से खुलता है ब्रेक कर देता है, तो आपको पहले वाले कैंडल 5 मिनट की बनने देनी है, दूसरे वाले कैंडल आपको बनने देनी है, और तीसरे वाले कैंडल में एक अपसाइड के लिए हम ट्रेड देखेंगे। कहाँ तक के लिए देखेंगे, तो ये देखो ये भी पास्ट का है तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये कल का ही है ना, डिलीट नहीं करते हैं इसको, जो है हम अपसाइड लगा देते हैं, इसको हम थोड़ा अपसाइड जो है यहाँ पर लगा देते हैं। एक मिनट इसको डिलीट ही कर देता हूँ, वापस से दूसरा वाला जो है इसको क्लोन कर लेता हूँ। अब दोस्तों देखो कि किस जगह पे आपको ट्रेड मिलेगा, ठीक है, कहाँ तक के लिए आपको जो है अपसाइड आप देख सकते हो, किस जगह तक के लिए जो है आप अपसाइड मूव को देख सकते हो। तो ये वाला जो कैंडल है ये देखो यहाँ पे आपको जो पास्ट का ये वाला जो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ये वाला जो आपको सबसे हाई दिख रहा हो, ठीक है, इस ये वाला जोन से मतलब कि हमने जो ये वाला को ड्रॉ किया है इसके अप में आपको एक और रेजिस्टेंस बनाना है जो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा अगर मार्केट अपसाइड ओपन होता है तो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एनालिसिस किए और मार्केट जो है इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, अगर दोस्तों यहाँ पे देखो कि मार्केट अगर अपसाइड गैप अप से खुलता है, अगर यहाँ से मार्केट जो अपसाइड कैंडल बना के ऐसे निकलता है गैप अप से खुलता है, तो आपको जो है दोस्तों यहाँ पे जो मैंने ड्रॉ किया है ना ये वाला जो मैंने रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया है, ये वाला जो रेजिस्टेंस को मैंने ड्रॉ किया है इस वाले को, इसको आपको भी ड्रॉ कर लेना है। और इस जगह पर देखो कहाँ पर ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है, ये देखो हाई प्रीवियस डे का जो हाई है ना उसके वहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, ये पिछले वीक का कोई भी जो है एक कोई दिन में यहाँ पे हाई आया होगा वहाँ का है ये, ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा अगर ये मार्केट गैप अप से खुलता है तो, और अगर गैप अप से खुलता है तो काफ़ी ज़्यादा चांस है कि अगर मार्केट यहाँ पे खुला, यहाँ पे पहली कैंडल बनी, यहाँ दूसरी कैंडल बनी, तो पूरा का पूरा यहाँ पे चांस है कि मार्केट इस तरीके से बुलिश होकर यहाँ तक टच होगी, ये वाले कैंडल तक जो है यहाँ पे मतलब ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसको टच करेगी ही करेगी। और आप यहाँ पे मूव देख सकते हो कितना लंबा चौड़ा मूव मिलेगा, तो डायरेक्ट आपको जो यहाँ पे 44,500 से डायरेक्ट 44,500 से के आसपास से जो है आपको यहाँ पे 44,750 तक का जो है यहाँ पे आपको मूव देखने को मिल जाएगा। और ये बहुत छोटा मूव नहीं है, बहुत बड़ा मूव आपको मिलेगा, ठीक है, इतना दूर का मूव मिलेगा, बहुत बड़ा मूव है, पैसा ट्रिपल चौपल होने का यहाँ पे चांसेस है। तो आपको यही देखना है कि अगर दोस्तों कल का जो मार्केट हो, कल का पहला कैंडल आपको अगर गैप अप से खुलता है इसको ब्रेक करके, तो मार्केट अपसाइड जाने की चांसेस बन सकती है। लेकिन गाइज अगर ऐसा नहीं हुआ,
अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, मार्केट गैप डाउन से अगर खुलता है तो गैप डाउन समझ लो यहाँ खुलेगा यहाँ खुलेगा, तो आपको अभी ट्रेड नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि देखो भले आपका मार्केट जब तक इस वाले लेवल को ब्रेक नहीं करता है, ये जो सपोर्ट का काम कर रहा है हमारा, भले वीक सपोर्ट है इसको फिर भी ब्रेक अगर नहीं करता है तो आपको जो है ट्रेड नहीं लेना, पुट की साइड आपको नहीं देखना है, क्योंकि मार्केट हो सकता है कि साइडवेज हो, यहाँ पे साइडवेज चलता रहे, इस तरीके से जो है मार्केट जो है चलता रहे तो इसमें क्या होगा, साइडवेज में आपका प्रीमियम भी कटेगा, आपका थीटा डीके के वजह से आपका जो प्रीमियम है वो माइनस होते रहेगा। तो इसलिए आपको ट्रेड नहीं लेनी है, आपको वेट करना है एक अच्छा मूव का, एक अच्छा ट्रेड का। तो जब मार्केट इसको अगर गैप डाउन से खुलता है और इसको ब्रेक करता है, इसको अगर दोस्तों ब्रेक करता है इस वाले लेवल को, तो आपको नीचे की साइड जो अच्छा खासा यहाँ तक के लिए एक छोटा सा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। और ये कोई छोटा प्रॉफिट नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रॉफिट है। अगर मैं थोड़ा जूम कर दूं तो देखो यहाँ पे 44,000 से डायरेक्ट आपको जो है यहाँ पे मिलेगा 43,800 तक का जो यहाँ पे आपको जो है मूव आपको देखने को मिलेगा, इतना बड़ा मूव। और ये छोटा मोटा मूव नहीं, यहाँ पे आपको 200 पॉइंट का डायरेक्ट गिरावट देखने को मिलेगा। तो आपको यही वेट करना है कि ये वाला लेवल अगर ब्रेक होता है तो आपको ट्रेड लेना है, आपकी एंट्री इस वाले जगह पे होगी। पहला कैंडल बनने दो, दूसरा कैंडल बनता है उसको भी बनने दो, तीसरा कैंडल आप पे आपको कन्फर्मेशन लेना है और आपको वेट करना है, आपको एंट्री मारनी है, उसके बाद मार्केट यहाँ तक आने का आपको वेट करना है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, एग्जिट हो जाना या फिर आप प्रॉफिट को ट्रेल करते रहना। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट अपसाइड से थोड़ा खुलने का चांस मुझे लग रहा है, क्योंकि कल क्या है कि कल के दिन जो है मार्केट अपसाइड ही डायरेक्शन में ज़्यादा बढ़ रहा था। तो हो सकता है कि मार्केट अपसाइड ही खुले। आप अब हमको भी ये चीज़ नहीं मालूम होता तो हम कल का वेट करेंगे और आपको आज यही स्ट्रेटजी बिठा देनी है। आप अभी मेरी वीडियो को देख रहे हो तो आपको यही स्ट्रेटजी लगा लेनी है। और आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जिस टाइम पे आप वीडियो को देख रहे हो ना, एक साल बाद, आधा साल बाद, मतलब 6 महीने बाद भी देख रहे हो, तो यही चीज़ें आपको हर टाइम वर्क करती है। हर टाइम जो आपको चार्ट पे इसी तरीके से एनालिसिस को करनी है, यही स्ट्रेटजी को बिठानी है, ठीक है। तो आपको दोस्तों आई होप वीडियो पसंद आई होगी। मैं कल का सपोर्ट रेजिस्टेंस तो बना ही दिया हूँ, सोमवार को क्या ट्रेड लेना है वो आपको जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपको बना ही दिया हूँ। तो आपको कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं, फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको 100% रिप्लाई देता हूँ, सबको देता हूँ तो आपको भी जरूर दूंगा। बस आपको क्या करना है, अगर मैं एक बार में रिप्लाई नहीं देता हूँ तो फिर एक घंटे बाद वापस से कमेंट कर देना, ताकि मेरे पास 2-3 बार नोटिफिकेशन आए तो मेरी ध्यान पड़ जाए। कभी कभी क्या होता है कि नोटिफिकेशन आता है तो मैं कुछ और काम कर रहा होता हूँ, फोन में ही कुछ और काम कर रहा होता हूँ, वीडियो बना रहा होता हूँ, तो मैं इग्नोर मार देता हूँ। तो आपको क्या करना है, 2-3 बार आप कमेंट कर दोगे तो नोटिफिकेशन बार बार आएगा, तो मुझे पता चल पाएगा कि आपने कमेंट किया है। तो बस यही है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। और सब्सक्राइब करने इसलिए बोलता हूँ क्योंकि देखो बहुत सारे आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगा, आपको मेरे चैनल पे बिगिनर्स हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे फायदा होने वाला है, बहुत ज़्यादा आपको लर्निंग प्लेटफॉर्म ये मिलने वाली है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।